हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का कॉमेंट था कि भाई आपने फ्लीट मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया है तो उसका आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट होता कैसा। तो मेरे पास आपके पास आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है, उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे YouTube चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस YouTube चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं जो कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लीट मैनेजमेंट ज्वाइन करते हैं तभी आपको आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट मिलता है। कोई भी कंपनी हो, फ्लीट हो, BSM हो, सिनर्जी हो, एंग्लो ईस्टर्न हो, ग्रेट ईस्टर्न हो, TK टैंकर हो, WTC हो, कोई भी हो, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, कोई भी शिपिंग कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसको बोलते हैं सीफेरर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। दिखाई दे रहा है, ये जो मेरी कंपनी है उसका नाम है एलिगेंट मेरीन सर्विस, जो अंडर फ्लीट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। तो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट होता कैसा है, तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा होता है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें आपका लिखा हुआ है बेसिक वेज कितना पर मंथ है, ग्रांटेड ओवर टाइम आपको क्या मिलेगा, OT कितना मिलेगी, लीव कितना मिलेगा, गुड सर्विस का बोनस कितना मिलेगा, सब्सटेंस कितना मिलेगा, और जो मेरी पर मंथ की सैलरी है वो $407। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है। उसके साथ साथ अगर ओवर टाइम भी मैंने किया तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा। तो इसमें सब आपका सिप का डिटेल रहता है, सिप का IMO नंबर रहता है। तो ये हो गया, उसके साथ लिखा हुआ है अर्निंग एंड डिटेक्शन, मैंने आपने क्या अर्न किया और क्या कटा। तो ज्वाइनिंग रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ है, तो मैंने ट्रेवलिंग वगैरह किया है तो $10 मेरे को एक्स्ट्रा मिला है, तो उस पर ये साइन होता है। और नेक्स्ट जो है NX2 ज्वाइनिंग लेटर, ये आपका है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो ये मेरा है ज्वाइनिंग लेटर। ये जितना आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है सभी आदमियों को मिलता है, तो सब आदमी अपना जाने से पहले चेक कर लें। इसमें क्या लिखा होता है, तो आप अल्कोहल नहीं ले सकते हैं, अपने हेल्थ का खुद आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मेडिसिन क्या होगा, ड्रग्स क्या है, अल्कोहल पॉलिसी क्या है, ये सब इसमें मेंशन होता है। पॉल्यूशन प्रिवेंशन, अगर आप सी पर कोई पॉल्यूशन करते हैं तो उसका भी आपको साइन करना पड़ता है, तो ये यहाँ पर इसका आर्टिकल है और मैंने यहाँ पर साइन भी किया हुआ है कि मैं पॉल्यूशन का ध्यान रखूँगा कि सी पर मेरे द्वारा कोई पॉल्यूशन ना हो, नहीं तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा। तो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में ये होता है। नीक ऑफ किंग डिक्लेरेशन, मान लीजिए कि सी पर आपकी डेथ हो जाती है या सी पर कुछ आपको हो जाता है तो उस सिचुएशन में कौन क्लेम करेगा, उसका यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप किया, कितना आपको डिडक्शन, किस व्यक्ति को कितना देना और किसको कितना देना, इसमें सब मेंशन होता है। तो यही आपकी जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट की होती है, यही इतनी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में आपकी मेंशन होती है। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने सब आपको बता दिया कि आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में क्या क्या होता है और क्या क्या आपको साइन करना पड़ता है और उसका प्रोसीजर क्या है। तो सर, कभी भी आप सिप ज्वाइन करने से पहले अपना आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट बढ़िया से पढ़ लें, और कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम ID है, ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कॉमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप मैंने सब आपको समझा दिया। बहुत लड़कों का कॉमेंट था कि भाई अपना आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट दिखा दो, तो मैंने दिखा दिया ऐसा आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट होता है। तो वीडियो कैसा लगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।